हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी जी, हमने कल एक वीडियो की थी ना, जब मोदी जी सिडनी गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो मैं कह रही थी यार मोदी जी को कहीं फिर से जाना चाहिए, बड़ा टाइम हो गया। तो मैं दिमाग से उतर ही गया था कि 14 फरवरी को मोदी जी जा तो रहे हैं। तो अब भैया एक दिन बचा है। तो भाई आबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के ठीक पहले क्या हो रहा है, देखिए मोदी जी के आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। पहले ये क्लैरिफाई करना चाहिए कौन सा मंदिर है जो उसका उद्घाटन हो रहा है। मेरे ख्याल उसका ये बैप्स का ही है शायद। अच्छा, बैप्स का मेरे ख्याल से शायद, मेरे को तो यही लग रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो जरूर आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मेरे को तो यही लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ, यहाँ हमारा राम मंदिर बना, वहां पे एक और मंदिर देख लो, कितना मतलब दुनिया ही चेंज हो रही है। और कहाँ बन रहा है? आबू धाबी में। कोई सोच सकता है कि इस्लामिक कंट्रीज में अब मंदिर बन रहे हैं, है ना? कमाल कमाल। चलो शुरू करें। अरे वाह, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी इस भव्य मंदिर का उद्घाटन आज से दो दिन बाद यानी वैलेंटाइंस डे के मौके पर अबू धाबी में करेंगे। पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूएई के राजदूत क्या कुछ कह रहे हैं, वो आज आपको इस खबर में दिखाएंगे। पीएम मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम के इस दौरे से पहले भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली का बयान सामने आया है। उन्होंने बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन को यूएई के लिए खास मौका बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों के चलते अपनी दोस्ती को और मजबूत कर पा रहे हैं। बता दें कि अबू धाबी के हिंदू मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में पीएम मोदी 13 और 14 फरवरी को यूएई में रहेंगे। इस मंदिर को बीएपीएस नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज अ ब्यूटीफुल BAPS Hindu Temple is the first traditional Hindu temple in United Arab Emirates. USA में जो अभी बना था वो भी तो इन्होंने बनाया है। 27 acres of land, a land which is gifted by the leadership of UAE. So we are really thankful for the graciousness of the leadership of UAE. At the same time, we are thankful to the leadership of India. Because of their will and support, we have built this beautiful temple. And as you said, on 14th, our honorable prime minister is coming here to Abu Dhabi to inaugurate this temple, which is of 7 spires. Seven spires symbolically represents the 7 emirates of United Arab Emirates. And it's a way to say thank you to the leadership of this country. PM Modi ka pichle 8 mahine mein teesra UAE visit hoga. Why PM Modi saal 2015 se kul 6 baar UAE ka dora kar chuke hain aur ye unka 7va dora hoga. Wahi aapko dekhni chahiye अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर की भव्य तस्वीरें। ये मंदिर बड़ा ही भव्य स्वरूप लिए हुए हैं। भारतीय कारीगरों ने इसे अपनी कला से भव्य स्वरूप दिया है। इसका जो ताजा वीडियो सामने आया है वो लोगों को बड़ा ही उत्साहित कर रहा है। आपको बता दें कि दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चला है। इस मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान की है। इस मंदिर को बेहद अत्याधुनिक शैली में तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में 100 से ज्यादा भारतीय स्कूली छात्र छोटे छोटे पत्थरों पर चित्रकारी करने में व्यस्त हैं, जिन्हें राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे मेहमानों को याद के रूप में भेंट किया जाएगा। प्राचीन और पाश्चात्य आर्किटेक्चर के मेल से बने इस मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। इस मंदिर को शाही पारंपरिक हाथ से नक्काशी किए गए पत्थरों से बनाया गया है। पीएम मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला 2018 में रखी थी। ऐसे में उद्घाटन से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की प्रतीकात्मक अहमियत भी है। ये दोनों देशों की दोस्ती को अच्छे से दर्शाता है। उन्हें उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री का दौरा सकारात्मक रहेगा। इस दौरान हमें दोनों देशों की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने और अन्य इलाकों में
सहयोग से जुड़ी कई घोषणाएं भी सुनने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही राजदूत अब्दुल नासिर ने यूए में रहने वाले भारतीयों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूए के स्थानीय और भारतीयों के बीच काफी समानता और समझदारी है, जो हमारे मजबूत रिश्ते की आधारशिला रखते हैं। दोनों ही देश स्थानीय और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों ही दुनिया भर में हिंसा की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। हम आने वाले सालों में पहले के मुकाबले खुद को और मजबूत करने और पूरी तरह से इन घटनाओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल हर कोई इंतजार कर रहा है अबू धाबी में इस भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन का, जो पीएम मोदी 14 फरवरी को करेंगे। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कमाल है, मोदी जी ने पहले किया था, मोदी जी अब उसका जब पूरा बन रहा है तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी कर रहे हैं। दोनों का मोदी जी के हाथ से हुए हैं। यहाँ राम मंदिर का मोदी जी ने किया था दोनों, और यहाँ पे भी मोदी जी कर रहे हैं। वैसे कमाल है, मोदी जी के आने के बाद इतने चेंजेस। बहुत अच्छी बात है, यूएई के लोगों के लिए अच्छी बात बहुत है। अच्छा, जो हिंदू जा सकते हैं एक मैं मंदिर आज तक सिर्फ एक ही बैप्स के मंदिर में गया हूँ, जिसका मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, अक्षरधाम का। वो भी इतना समय नहीं था, पर उसके अलावा मैं आज तक नहीं गया, तो मुझे पता नहीं है कि अंदर से देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, कौन कौन सी मूर्तियां होती हैं इसके बारे में मुझे इतना अंदाजा नहीं है। तो आप बताइए कि उसमें भगवान राम की, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा की मूर्तियां होती हैं कि नहीं होती, इतना मुझे रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा। बट हिंदू मंदिर है तो होंगी, मुझे तो लग रहा सभी होनी चाहिए। हनुमान जी की तो हमने देखी थी। हाँ, ये बट ये मूर्तियां नहीं थी, ये तो कार्विंग थी। अभी तो जाके अभी मंदिर में तो मूर्ति जो मेन होती है वो कौन कौन से भगवान जी की रखी हुई है वो भी बैप्स के टेंपल में भी कोशिश करूंगा जाने की, हम भी देखेंगे। मगर इतना बढ़िया बना है, इट इज लुकिंग अमेजिंग। बहुत ही बड़ा बना है, बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यूएई में इतने सारे हिंदू जो कार्य करते हैं उनको खुशी होगी कि जा सकते हैं। होपफुली जो भी फेस्टिवल्स होंगे सेलिब्रेट होंगे। नॉर्मली बैप्स के जहाँ तक मुझे पता है बड़े बड़े उनके एरिया होते हैं, तो बाहर शायद कहीं कुछ वो कुछ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर पाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे टेंपल गैदरिंग हो जाएगी। तो कम्युनिटी के लिए इट इज अ वेरी गुड प्लेस। सब इंडियंस मिलके वहाँ पे दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, सारे अपने हिंदू फेस्टिवल्स कर सकते हैं। क्या कमाल है कि कहाँ बन रहा है, यूएई में बना, और इतना सुंदर, इतना बड़ा। अंदर से तो मुझे लग रहा था पूरा मार्बल है, वाइट कलर का था, मार्बल लग रहा था। इंट्रिकेट काम किया, इतना इंट्रिकेट काम किया, इट्स अमेजिंग। छत भी देखो पूरी, नीचे से देखो पूरे ऊपर तक, सारा ही कारीगरी से भरा। मूर्ति बनी हुई है, शंख बने हुए हैं, गाय बनी हुई है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो चलो यार, अब वेट हो ये होगी कि मोदी जी कब पहुंचेंगे और कब करेंगे, वो एक्साइटमेंट हो रही है। और मोदी जी भी देखो, उनकी किस्मत कितनी अच्छी है, काम इतने अच्छे करते हैं कि ऐसे सारे इतने मेन मंदिर के लिए। हो सकता है इसको देख के इंस्पिरेशन मिले सऊदी अरेबिया को भी, वो भी कर बनना चाहिए, उसको भी बनाना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है कितना सड़ रहा होगा, मैं तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो पागल है, वो तो पूरे पागल हो चुके हैं। सारे लोगों को यहाँ देखो क्या क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं देखा दुनिया को देख के बदल रहे हैं अब, नहीं तो कहां पे कट्टर थे लोग बदल रहे हैं, वो बदल जा रहा है कि फ्रीडम और रिलीजन जरूरी है। स्पेशली अगर आपके देश में वही लोग चला रहे हैं जिनका रिलीजन जो है आपसे मैच नहीं कर रहा। मैं तो ये सोच रही हूँ जो पहले कट्टरवादी थे वो अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट और वहां पे मंदिर और सब बनवा रहे हैं, और वो कंट्री जो हमारे जिसके लोग हमारे साथ मतलब एक ही होते थे, वो पार्टीशन करने के बाद वो ऐसे काम कर रहे हैं। यूएई को पता है कि उसे ग्लोबल सिटी बनानी है, ग्लोबल सिटी बनाएंगे, डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट रिलीजन्स लेके आएंगे, आप उनको जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके रिलीजन को ऑनर करना पड़ेगा, इसलिए वो बना रहे हैं अपना फ्यूचर देखते हुए कि वो भी बिलीव करते हैं, ग्लोबल बना रहे हैं, हर किसी को फ्रीडम। अब मुझे पता नहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम रिलीजन है नहीं, मैं उस डायरेक्शन में डेफिनेटली जा रहे हैं। होएगा नहीं होगा तो वो डालेंगे, क्योंकि चेंजेस तो दिख ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, दिल खुश हो गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।